मरीज के परिजनों को यह अधिकार है कि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दें, कानून अपने हाथ में ले लें। राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में सुबह से ही हड़ताल के वजह से हजारों मरीज परेशान हो रहे हैं। ये मरीज दिल्ली से ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों से यहाँ इलाज करवाने आते हैं। परेशानी तो आप देख लीजिए, जो आदमी खुद से सुबह 5 बजे उठा है और वो अब आया है, आने के बाद हमारा मरीज इतना परेशान है, हमें पता है, हम अपने दिल की बात बता ही नहीं सकते। एक आदमी ने अगर गुनाह किया है, एक आदमी ने डॉक्टर को पीट दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, 1000 आदमी क्यों परेशान कर रखे डॉक्टरों ने। दरअसल बीती रात एक डॉक्टर और तीमारदार के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर LNJP अस्पताल में सुबह से हड़ताल कर दी। ये घटना कल रात की है, जब ऑन ड्यूटी मेडिसिन के रेजिडेंट थर्ड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ ये हाथापाई की घटना हुई है। घटना ये थी कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आते हैं, और जिस समय उसे हमने ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट किया था तभी हमें लग गया था कि पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होने वाली है। उनके सारे रिलेटिव्स को हमने प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन भी किया था कि डिस्पाइट हमारे इस लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा हो सकता है कि मरीज की जान ना बच पाए, तो हुआ ऐसा ही कुछ। कभी कभी होता है कि हमारे प्रयास सफल होते हैं, कभी कभी हमारे प्रयास सफल नहीं होते हैं, लेकिन सोचना ये होगा, हमें ये विचार करना होगा कि यदि हमारे प्रयास सफल नहीं होते हैं तो क्या मरीज के परिजनों को ये अधिकार है कि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दें, कानून अपने हाथ में ले लें और जो डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है उसे खुद मरीज बना के भर्ती कर दें अस्पताल में। डॉक्टरों ने OPD से लेकर इमरजेंसी तक की हड़ताल की है, जिससे मरीज बेहाल और दर्द से तड़प रहे हैं। एक शख्स की गलती का खामियाजा आज यहां हजारों मरीज भुगत रहे हैं। फिलहाल अभी तक हड़ताल खुलने की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, हड़ताल जारी है और मरीज परेशान हैं। नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट, दिल्ली।